हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत से किसान लोगों ने मिनी पावर ट्रैक्टर लिया होगा, तो उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम आती है लीकेज, जैसे कि बैक गियर, गियर लीवर में इसमें आमतौर पर लीकेज देखने को मिलता है। तो हम उस लीकेज को घर में ही आसानी से कैसे फिट कर सकते हैं और उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में ये सब जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है, ये है बैक गियर। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये है गियर लीवर, तो इसमें भी लीकेज की प्रॉब्लम आने लगी है। तो हम लोग आज इसी को ठीक करेंगे और किस तरह से करेंगे, तो आइए आगे आपको दिखाता हूँ। लीकेज को ठीक करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये है एनाबोन, ये है टेफ्लॉन टेप, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है और कम बजट में, लगभग 60 रुपए के हो गए हैं दोनों मिला के। ये है 40 रुपए के, ये है 20 रुपए के टेफ्लॉन टेप। यहाँ से ऑयल लीक होने का मेन कारण होता है कि अंदर में लगे ऑयल सील की रिंग जो है वो घिस जाती है, जिस कारण से यहाँ से लीकेज होना पड़ता है। अगर अंदर से ठीक करने का होने से पूरा इंजन यहाँ से उतारना पड़ेगा, उसके बाद तो सील है वो अंदर डाल सकते हैं। इसीलिए हमें बाहर से इसका उपाय यही है कि टेफ्लॉन की मदद से हम इस लीकेज को ठीक कर सकते हैं। पहले तो बैक गियर के केबल को उतार लेते हैं, कुछ इस तरह से उतार लेंगे और इसको आसानी से इधर रख देंगे। उसके बाद जो गंदगी है उसको पूरा साफ कर लेंगे। फिर पेचकस से इसे बाहर की ओर इस तरह से गैप हो जाए, ताकि इस तरह से बाहर की ओर खींचेंगे, आसानी से ये हो जाता है। उसके बाद टेफ्लॉन टेप को लपेटने से पहले इसमें एनाबोन डालेंगे हल्की मात्रा में। फिर टेफ्लॉन टेप से इसमें पूरे जितने भी गैप हैं उसको पूरा भर देंगे, कुछ इस तरह से पूरे फुल भर देंगे। हमने टेफ्लॉन टेप को भर दिया है यह पूरा। उसके बाद पाना से हल्के हल्के इसको चोट करेंगे, ताकि वो कुछ परसेंट अंदर चल जाए। देखिए दोस्तों, आसानी से हो गया, हम लोगों ने इसमें कर दिया। उसके बाद फिर हल्के हल्के ऊपर एनाबोन से इसको लेप लगा देंगे इस तरह से।
काम होने के बाद हम इस केबल को इस तरह से इसमें चढ़ा देंगे। ये हो गया, अब इसको हम नहीं टच करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं टच करेंगे क्योंकि इसे हमें सूखने देना है। यहाँ गियर लीवर के लीकेज को ठीक करने के लिए पहले इस रॉड को निकाल लेंगे इस तरह से, और इसमें जो नट है उसको खोलेंगे 10 नंबर के पाना से। हम लोगों ने गियर लीवर खोल लिया है, अब इसकी हम लोग थोड़ी गंदगी सफाई कर लेते हैं। अब हम एनाबोन इसमें हल्के हल्के डालेंगे। टेप्लेन को अब हम इसमें फिर से लपेटेंगे कुछ मात्रा में फिलहाल। अब हम लीवर की सहायता से जो लपेटे हैं उस टेफ्लॉन को अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे, कुछ मात्रा अंदर चली जाए और हल्के हल्के चोट से यह काम करेंगे। आप लोगों ने देखा कि यहाँ कुछ मात्रा अंदर धस गई है, तो इस तरह से आप भी करिए। और फिर से हम यहाँ टेफ्लॉन टेप को लपेटेंगे कुछ। इस तरह से आप भी टेफ्लॉन टेप को लपेट कर फिर से हम एनाबोन उसमें डालेंगे। अब हम लीवर को फिर से उसी जगह पर करके फिर हल्की चोट करेंगे ताकि इसमें फिक्स हो जाए, और हमें जिस तरह से लीवर को बिठाना उस तरह का ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने एनाबोन और टेफ्लॉन टेप से
अच्छे से फिक्स कर दिया है, एनाबॉन डाले हैं, इसलिए इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिलहाल तो हम लोग गियर के हैंडल को इस तरह से यहाँ फिक्स कर देंगे और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब तक यह सूख नहीं जाता हम लोग इससे कोई काम नहीं करेंगे। आप सब देख सकते हैं अभी कोई यहाँ सीलन नहीं है, पूरा लीकेज है, वो रुक गया है, लगभग एक घंटे से अधिक हो चुका है, इसमें लीकेज की एक निशान भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से यह कम्प्लीटली हम लोग का हो गया है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज किस तरह से आसानी से हम लोगों ने एनाबॉन और टेप्लॉन की मदद से जो आयल सील की जो लीकेज का प्रॉब्लम था वो ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोग भी यह काम आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।